थाना गोसाईगंज क्षेत्र में एक सूचना मिली थी, जिस सूचना में बताया गया है कि एक व्यक्ति के दो बच्चों को कोई मोटरसाइकिल पर बिठा के अगवा कर ले गया है। उसके बाद तत्काल पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने इसमें 6 टीमें लगाई और बच्चों की सकुशल रिकवरी के लिए प्रयास किए गए। उसी क्रम में कल पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम के बाद एक बच्चे को, जिसको अपहरणकर्ताओं ने इंजर्ड कर दिया था, उसको पुलिस ने रेस्क्यू किया है, जिसको कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। और एक व्यक्ति, एक अपहरणकर्ता जिसका पुलिस से मुठभेड़ हुआ, वो एक्सचेंज ऑफ फायर में घायल हुआ है, जिसको वो सीरियस गंभीर रूप से घायल है, जिसको भी पुलिस ने जिला अस्पताल के माध्यम से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया है। इस पूरी घटना में ये निकल गया है कि जो व्यक्ति जिसके बच्चों को अगवा किया गया था, वो व्यक्ति उनके घर में नौकर था और वही पूरी इस प्लानिंग में मेनली सेंटर्ड था। उसने ये प्लान किया, चूंकि वो उस घर वालों का विश्वस्त था, उसको कोई उसको शक नहीं कर रहा था, वो उनके साथ था पूरी घटनाक्रम के दौरान, तो उसने पूरी घटना को प्लान किया और जो विश्वास वो अपने नौकर पे करते थे, उस नौकर ने उस विश्वास को पूरा विश्वासघात किया, उसका फायदा उठाया उसने और इस घटना को अंजाम दिया। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रहा कि जिसमें कि एक बच्चा अपनी इंजरी से को सकम कर गया, लेकिन फिर भी तत्परता से पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसकी जान जा सकती थी, उसको पुलिस ने बचाया और सभी अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है और एक अपराधी इसमें इंजर्ड भी हुआ है, वो अभी लखनऊ में उसका इलाज चल रहा है और एक बच्चा दूसरा जो गंभीर रूप से घायल था उसका भी लखनऊ में इलाज चल रहा है और वी प्रे की उसको जल्द ही उसको ठीक किया जाए।